ओडिया चाषीको आय वृद्धि रे बाधक साजिथिला बीजेडी सरकार। नाबार्ड रिपोर्ट खोलिला नवीन को चाषी प्रीतिर गुमर। तला आड़ दुई नंबर रे ओडिशा चाषी को मासिक आय। जलसेचन विफलता, दुर्बल बजार व्यवस्था कम आयर प्रमुख कारण। चाषी को रोजगार बढ़ावा एवर बीजेपी सरकार पर बड़ चैलेंज। नुआ नीति सह भित्तिभूमि उन्नति रे सरकार को अभियान देछि नुआ आशा। नाबार्ड पक्षरु प्रकाशित सर्वभारतीय ग्रामांचल आर्थिक अंतर्भुक्तिकरण सर्वे 2021-22 रिपोर्ट रो ए तथ्य ओडिशा पई जेतेकि चिंताजनक, 24 वर्ष धरि विकास रो मिच्छ प्रचार करूथिबा बीजेडी पई सेतेकि लज्जाजनक। चाषी को आय क्षेत्र रे जातीय हारठु बहु पछरे ओडिशा। राज्य रो चाषी को आय मासिक 10,000 रु भी कम। कृषक परिवार गुडीकर जातीय हाराहारी आय 13,661 टंका, किंतु आम ओडिशा रे 9,290 टंका रही चाषी को मासिक आय। देशर चाषी परिवार गुडीकर मासिक हाराहारी आय गत 5 वर्ष भितरे 53% बढ़ी, किंतु दुर्दिन में बंचुचंती आम राज्यर चाषी। एथिपे बीजेडी सरकार रो कृषि नीति को दायी करिसंती उपमुख्यमंत्री केबी सिंह देव। ओडिशा रे भी चाषी माने खाली ट्रेडिशनल राइस छोड़ा कैश क्रॉप्स आड़कू से माने करूनांती, ता कारण द प्रॉपर मार्केट सपोर्ट तांकू दिया जाऊ नथिला। एबे प्रॉपर मार्केट सपोर्ट देवा पई चाषी को विभाग तरफ रु उद्यम करा जाउछि। केंद्र कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान संगे भी आलोचना करीचु कि प्रत्येक राज्य को गोटे कार्गो एयरक्राफ्ट रेगुलरली आसीबा दरकार। नवीन पटनायक कृषक मानक पई जो प्रकार व्यवस्था करथिले, कृषक मानक अर्थनैतिक उन्नति पई जो कालिया थारु आरंभ करी जो योजना करथिले, वर्तमान राज्य सरकार किपरि भाबरे चासी मानक अर्थनैतिक विकास घटिबो सेति पई चेष्टा करिवे। डबल इंजिन हेले अनेक माने चासी माने उपकृत हेबे, त डबल इंजिन कोन करूची चासी मानकर केते उन्नति होची ता देखियार बाकी अछि। ओडिशा रे चासी को आय वृद्धि नै राज्य सरकार को परामर्श देछंती नीति आयोग सदस्य रमेश चांद। फल और परिबा उत्पादन बढ़ावा प्रति ध्यान देवाकू हेबो। कोरापुट कॉफी मांडिया भली खाद्य शस्यर बजार मूल्य वृद्धि पई प्राइवेट सेक्टर रो सहाय्य नेबाकू पड़िबो। सेपरे राज्यर मोट चाष जमीर एक तृतीयांश अर्थात प्राय 16 लक्ष हेक्टर जमी खाली पड़ी, एथिरे केमिति चाष हेबो सेथिप्रति ध्यान देवाकू पड़िबो। कृषि उत्पादन बढ़ावाकू आंध्र मॉडल रो अनुकरण करबाकू भी परामर्श दिया जाइछि। ओडिशा के पास बहुत अच्छी वैरायटीज, डाइवर्सिटी, जर्म प्लाज्म उपलब्ध है, लेकिन हमें उस जर्म प्लाज्म को आगे यूज करके मिलेट का जो यील्ड है उसको इंक्रीज करना चाहिए। मिल्क यील्ड कम है, तो मैंने सजेशन दिया है कि ब्रीड इम्प्रूवमेंट की ओर भी ध्यान देना चाहिए। हॉर्टिकल्चर यहाँ बड़ा इम्पॉर्टेंट है, फ्रूट वेजिटेबल हाई वैल्यू क्रॉप्स है, उसको बढ़ाना चाहिए। लगभग 33% यहाँ की कृषि योग्य भूमि उसमें कोई फसली नहीं होती, टेनेंट के साथ कोई लीज के सिंपल कानून बनाकर उसको भी कल्टीवेशन में लाना चाहिए। राज्य रे चासिंग को दुर्दशा पई दाई 24 वर्ष धरि शासन करथिबा बीजेडी सरकार रो उदासीनता, अपारगता और विफलता। एबे भी 35% चाष जमी को भी होई पारि नाही जलसेचन सुविधा। राज्य रे भौगोलिक स्थिति अनुजाई फसल उत्पादन लागि प्रोत्साहन रो अभाव, दुर्बल बजार व्यवस्था कारण रु ओडिया चासिंग को आयर अधा टंका जाउची मिडिल मैन को पॉकेट को। गुजरात भली राज्य रे सुदृढ़ बजार व्यवस्था और स्थिर नीति ही चासिंग को आय बढ़ाइबो। तबे बीजेपी सरकार धानर मूल्य 3100 टंका करिबा सह विभिन्न अर्थकारी फसल उत्पादन लागि प्रोत्साहन देबा लागि विभिन्न योजना आनिबा परे आगकु चासी को आय बढ़िबा नै आकलन करा जाउछि। भुवनेश्वर रोशन रथ और दिव्यज्योति महांती का रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।